نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله <applause> وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشفعوا توجروا अवका كما قال عليه या والسلام يا ربي दा وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بيان سنة سے पहले अपनी नीयत को सही फ़रमा लें और ये नीयत कर लें इनशा जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसलम की बातें हम सुनेंगे इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और इन शाहीज़ आगे लोगों को भी इसकी दावत देंगे आज जिस मौजू का मैंने इंतख किया है वो ये है कि सिफ़ारश के क्या उसूल होने चाहिए मशवरे के लिए क्या शरात हैं हमारे यहाँ सिफ़ारिश नहीं होती बल्कि दबदबा होता है जबकि सिफ़ारश का माना और है मशवरा और सिफारिश दोनों एक हैं इस पर दबदबा नहीं होना चाहिए तो आज आपके सामने ये बयान करना मकसूद है कि जिनसे मशवरा लिया जाए उनके अंदर क्या सिफ़ात होनी चाहिए इस सिलसिले में काज़ी अबुल हसन अल-बसरी अलबसरी राह ने अपनी किताब अदबुदनिया व दीन के अंदर ये ज़िक्र फरमाया कि जिससे आप मशरा लेना चाहें उसके अंदर पांच सिफ़ात पांच ख़सरतें होनी चाहिए वो आदमी मशरा देने का अहल है जिसके अंदर पांच सिफ़ात मौजूद होंगी उससे आप मशा लें जिनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद नहीं उससे इजतनाभ करना चाहिए ये शेख अबुल हसन अल-बसरी अलबसरी तआला ने अपनी किताब दीन के अंदर नकल किया है सबसे पहली ख़सलत और सबसे पहली आदत और सिफत जिससे आप मशवरा लें उसके अंदर पहली सिफ़त ये होनी चाहिए वो अक़ल के एतबार से कामिल हो कामिल अकल हो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम स वसम ने इरशाद फरमाया अगर कोई आदमी अक़ल मंद आदमी से मशवरा लेता है तो वो वह इनशा सुशा मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है और उसको किसी किस्म की नदामत का सामना नहीं करना पड़ता तो इसलिए पहली सिफ़ क्या है जिससे मशवरा लिया जाए वह कामिल हो इस जुम्मन में मुझे उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तनु का अमल याद आ गया और आप रज़ी अल्लाह तैनु का फरमान याद आ गया उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तनु फरमाया करते थे ख़ालिफुल्नसा न फ़ी ख़िला फ़ीन अलबाला का ये मेरी राय नहीं है ये उमर फारूक रजी अल्लाह अनु का फ़रमान है उमर फारूक रजी अल्लाह अनु फरमाया करते थे औरतों से भी मशवरा ले लिया करो लेकिन फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ में किया करो क्योंकि इसी में बरकत है ख़ुदा मेरी बहने कहीं इसको महसूस ना करें कि मौलाना साहब ने ये हमारे ख़िलाफ़ क्या बयान कर दिया खुदा मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ रसूल अकरम सलील वम की बातें हजूर अकरम सलील की सहाबा की बातें आपके सामने नकल कर रहा हूँ तो ये मैंने आपके सामने हज़रतर फ़ारूक रज़ी अल्ला तन का फरमान नक़ल किया है क्योंकि औरतें नाक़ुलअल होती हैं नाक़सल होती है और जिससे मशवरा लिया जाए उसका कामिल होना ज़रूरी है ज़रूरी समाज ये नहीं कि फ़र्ज़ वाजिब है बेहतर यही है तो लिहाजा जिससे मशवरा लिया जाए उसके अंदर पहली शिफ़ क्या होनी चाहिए वो कामिल्क़ल हो और शेख़ अबुल हसन अल बसरी तआला ने तिखा है कि जिससे मशवरा लिया जाए उसके अंदर दूसरी सिफ़ ये होनी चाहिए कि वो मुतकी और परहेज़गार हो मुतकी और परहेज़गार आदमी हो उससे मशवरा लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है जो मुतकी परहेजगार नहीं है उससे अज्तनाभ ही करना बेहतर है मन में ये बताता जाऊँ कि मशवरा और सिफ़ारश ये दोनों एक ही चीज़ है हमारे माशरे में आज कल आज कल जहाँ कोई काम दो नंबर होता है उसकी सिफ़ारिश की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि आपने ये काम करना है मैं इसकी सिफ़ारिश कर रहा हूँ हालांकि इस सिफ़ारिश के अंदर एक मशरा दिया जाता है कि मेरे भाई मेरे गुमान के मुताबिक जिस आदमी की मैं सिफ़ारिश कर रहा हूँ मेरे गुमान के मुताबिक ये इसका अहल है लेकिन अगर ये इसका अल नहीं है तो आप अपने असूल के मुताबिक फ़ैसला करें सिफ़ारश असल में ये है इस पर मुझे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई हमारे लिए भाइयों हमारे लिए रसूल अकरम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है रसूल्लाह की ज़िंदगी नमूना है हमारे लिए किसी फ़र्द की ज़िंदगी नमूना नहीं है इल्ला ये कि अगर वो फ़र्द मतब सुन्नता है तो बहुत अच्छा लेकिन इस जुम्मन में एक जुमला में कहता जाऊँ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल ला सल्ला सल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से नूर फैलता है रसूल सल्ला वम की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से नूर फैलता है और अगर किसी शख़्स की इतवाबा की जाए जो सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करता हो उससे बेदात और म्मतें फैलती हैं नूर नहीं फैल सकता तो इस सिफारिश के ज़िमन में मुझे रसूल अक्रम सम की एक हदीश याद आ गई और ये कि हज़रत आशा रजी अल्लाह तन्हा की आज़ाद करदा लोंडी हजरत बरीरा रजी अल्लाह तहा का वाकया याद आ गया हजरत बरीरा रजी अल्लाह तन का निकाह ग़लमी के ज़माने में हजरत मुग़ीस रदी अल्लाह ताली आनु से हुआ हजरत मुग़ीस रदी अल्लाह तहु बेचारे बड़े ही काले थे वो इतने ख़ूबसूरत भी नहीं थे और हज़रत बर ऱी अल्लाह तल्ला ने बड़ा हसन व जमाल से नवाजा हुआ था तो मसला ये है कि आका को अपनी लोंडी का निकाह करने का यानी आका अपनी लोंडी पर जबर कर सकता है कि आपने इस आदमी के साथ निकाह करना है ये आका को अख्तियार है चुनाचे हज़रत मुग़ीस के साथ जब हजरत बररा रदी अल्लाह ताली का निकाह हुआ तो ये पहले किसी और की लोंडी थी उसके बाद हजरत आशा रदी अल्लाह इन्हें ख़रीद लिया ख़रीदने के बाद हजरत आशा रदी अल्लाह तहा ने हजरत बररा को आज़ाद कर दिया जब आज़ाद कर दिया तो मसला ये है कि अगर लोंडी आज़ाद हो जाए और हो वो शादी शुदा तो उसको इख्तियार होता है आज़ादी के बाद चाहे अपने पहले निकाह को बरकरार रखे या उसको ख़त्म कर दे ये लोंडी के मुताल अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत आशा रदी अल्लाह जब इनको आज़ाद किया तो हजरत बरीरा रदी अल्लाह तह ने हज़रत मुगीश से कहा कि अब मैं अपना निका ख़ ख़त्म कर देती हूँ जब निका ख़त्म किया रिवायात में आते हैं हजरत मुगी सदी अल्लाह तहु मदीना की गलियों में रोते हुए चक्कर लगा रहे थे हजरत अपने अब्बास तनु फरमाते हैं कि मुझे वह वक्त याद है कि जब मुगीस मदीना की गलियों में इतना रो रहे थे कि उनकी दाढ़ी भी आंसुओं की वजह से तर हो गई चुनाचे हज़रत मुगीस रसूल अक्रम सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए रोते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया मुग़ीस क्या हुआ तुझे गया रसूल सल्ला वम हज़रत आशा सिद्दीक़ा रतील् बरीरा को आज़ाद कर दिया और आज़ादी के बाद बरीरा ने अपने निकाह को ख़त्म कर दिया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप बरीरा को समझाएं निकाह को ख़त्म ना करें अब मैं मसले की तरफ आ रहा हूँ रसूल अकरम व सल्लम ने हज़रत बरीरा को बुलाया का बरीरा मुगीस मेरे पास आया है रोता हुआ और सुना है तो ने निका को ख़त्म कर दिया हैजरत बररा रबील् तहा ने रसूल अकरम अलैहि व सल्लम की सारी गुफ्तु सुनी सुनने के बाद हज़रत बरीरा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम आया आपका ये मशवरा है कि मैं उस निका को बरकरार रखूँ या आपका हुक्म है क्या मसला समझाना था के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये हुक्म है यह आपका मशवरा है क़़रबान जै रसूल अक्रम सम पर फ़रमाया बररा मेरा हुक्म नहीं है मेरा मशवरा है तो हज़रत बररा रदी अल्लाह तह ने आज किया या रसूल वसम आपसे ही सुना है कि मशवरे के बारे में इख्तियार होता है चाहे मैं आपका मशवरा कबूल करूँ या ना करूँ तो वाला के नबी सल्ला वम ने मेरे भाइयों एक फ़ीसद भी महसूस नहीं किया कि बररा ने मेरा मशव क्यों नहीं कबूल किया हमारे माशरे में दीनदारों के भी फ़ोन आते हैं कि जनाब मैं ये सिफ़ारश कर रहा हूँ आपने इसको रद्द नहीं करना और भाई सिफ़ारश का मतलब ये होता है कि अगर आप बेहतर समझें तो कर लें अगर बेहतर ना समझें तो ना करें मैं एक फ़ीसद भी महसूस नहीं करूँगा दीनदारों के अंदर भी हमारे सरकारी इदारों के अंदर भी सिफारिश नहीं होती दबदबा होता है मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो ऐसा ना किया करो ये जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी हज़रत अबूमूसा अशारी रज़ी अल्ला तु से रिवायत है वो फ़रमाते हैं कान नबी व सल वसम अल्ला के नबी स पास इज़ातालब जब कोई हाजतमंद आता सवाल करने के लिए तो अल्ला के नबी स उस मजलिस में बैठे हुए अफला से फरमाया करते थे इश्फाओ, तुम इसकी सिफारिश करो तुम सिफारिश करोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें अजर मिलेगा चाहे वो काम हो या ना हो हमारे माशरे के अंदर हर जगह यही काम होता है मदार के अंदर भी यही काम होता है अगर सिफ़ारश ना मानी जाए दोबारा उन मौलाना साहब को मिलने जाए तो वो सलाम का जवाब ही नहीं देते और ये जुमला कहते हैं तूने मेरी सिफ़ारश को क्यों नहीं कबूल किया और मेरे भाइयों तुम तो आम उमती हो रसूल अक्रम सम ने हजरत बररा से कभी भी नाराज़गी का इसके बाद इज़हार नहीं फरमाया था इस पर मुझे एक और बात याद आ गई हज़रत बरीरा के ऊपर कि हजरत बररा रदी अल्लाह तन्हा एक दफ़ा रसूल अक्रम सम हज़रत बररा रदी अल्लाह तह के घर तरीफ़ ले गए आज तो हमारे माशरे में हम में से कौन है जो अपने चौकीदार के घर अपने मुलाजिम के घर जाता हो उसका पूछने के लिए मुमकिन नहीं है यहाँ तक के जो मुजा दीनदार हैं वो भी इस पे अमल नहीं करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के वो सहाबा जो गरीब हुआ करते थे उनके घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे तो हज़रत बरराली अल्लाह तरह अल्लाह के, अल्ला के नबी सल्ला वम तशरीफ़ ले के गए तो उन्होंने खजूरें पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावल फरमाई। तो सामने हंडिया से गोश के पकने की खुशबू आ रही थी कोई ज़माना था जब हमारी कमाई हलाल की हुआ करती थी जब हमारी कमाई हलाल की हुआ करती थी तो जब एक घर में दाल भी पका करती थी तो बीसियों घर तक खुशबू आया करती थी आज तो हमें उस घर के अंदर रहते हुए पता नहीं चलता क्या पक रहा है हालाँकि अस्बा दुनिया बहुत ज़्यादा भी आ चुके हैं क्योंकि हमारी कमाई हलाल की नहीं है इस पर भी एक बात याद आ गई रसूल अक्रम सम ने इशाद फरमाया क़यामत के करीब लोग लम्बा लम्बा सफ़र करके बैतल्ला में आएंगे एक शख़्स आएगा बिखरे हुए बाल होंगे मुलतज़म पर खड़े होकर कहेगा याब या रब या रब ए, ए मेरी ये हाजत पूरी फरमा दे ये कर दे ये कर दे सलाह तो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने अल्लाह फरमाते हैं मैं इस शख्स की एक भी दुआ कबूल नहीं करूँगा चाहे लम्बा सफ़र करके क्यों ना आया हो वजह हजूर ने क्या फ़रमाया व मल बसू हराम व मशरबू हराम वजिल हराम इस आने वाले का खाना पीना लिबास हराम का होगा ऐसे शख़्स की कैसे दुआ कबूल कीजिए आज ये कोरोना हमारे ऊपर एक अज़ाब की सूरत में आया हुआ है लोग दुआएं भी कर रहे हैं मसाजिद के अंदर भी दुआएं होती हैं बैतूल्ह में भी दुआएं होती हैं लेकिन कोई असर क्यों नहीं वजह यह है मेरे भाइयों हमारी ठीक नहीं है व मल बस हो हराम वव मशरब हो हराम व हम रिश्वत के पैसों से अपनी इफ्तारी करते हैं जालिम का ख़ून जालिम मजलूम का ख़ून चूसकर खाना खाता है ऐसे आदमी की दुआ कैसे खुबल हो तो मैं आज था हज़रत बरीरा रजी अल्लाह त आनहा के घर हुजूर तशरीफ़ ले गए उन्होंने खजूरें पेश की, अल्लाह के नबी ने खजूरें तनावल फरमाई तो देखा हंडिया से गोश के पकने की खुशबू आ रही थी सल्लल्लाहु रसूर अक्रम वसल्लम, मैं कहता हूँ ऐसे नबी पर करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों नहीं अल्लाह जितनी तेरी मालूम है इतना और सलाम हो उस नबी पर हाँ, हाँ, क्या प्यारा नबी अल्लाह ने हमें दिया क्या प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी ने हज़रत बरीरा से फ़रमाया बरीरा खजूरें तो तूने पेश कर दी हैं क्या हमें गोश नहीं खिलाएगी गोश नहीं खिलाएगी हजरत बर ने तरज किया हाज या रसूल अल्लाह हाजिर या रसूल अल्लाह एल् के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो गोश्त है ये सदक़े का गोश्त है और आप तो सैदों के सरदार हैं आपके लिए सदक़ा खाना जायज़ नहीं इसलिए मैंने आपकी ख़िदमत में ये पेश नहीं किया रसूल अकरम सल्ला ने एक जुमला इर्शाद फरमा कर आने वाली इंसानियत को एक मसला समझा दिया आपने फ़रमाया लकी सदा खतुन लकी सदा खतुन वालाना हदिया ए बरीरा जब तुझे किसी ने दिया था वो सदका था लेकिन जब तूने कब्ज़ा कर लिया अब तू मुझे खिलाना चाहे तो ये मेरे लिए हदिया हो जाएगा ओसूल फ़िक्र एक मसला है मिल्कियत के तब्दील होने से शय की हकीकत तब्दील हो जाती है तो अल्लाह के नबी अलैहि ने मसला समझा दिया। अगर आपने किसी आदमी को ज़क़़र के पैसे दिए उसने कब्ज़ा कर लिया कब्ज़ा करने के बाद वो आपकी दावत करना चाहे तो आप उसकी दावत में जा भी सकते हैं वो खाना भी खा सकते हैं आपने ज़क़़्त का माल नहीं खाया अब आप, अब आपने हरिया खाया तो अल्लाह के नबी सल्लाम ने हज़रत बररा रवी अल्ला को मसला समझा दिया कहने का मकसद ये है कि सिफ़ारिश होनी चाहिए दबदबा नहीं होना चाहिए तो जिससे मशवरा लिया जाए उस में पाँच सिफ़ात होनी चाहिए पाँच सिफ़ पहली सिफ कामिल होक़ल केबार से कामिल हो दूसरी सिफ जिससे मशवरा लिया जाए वो मुत्तकी और परहेज़गार हो मुत्तकी परहेजगार हो तीसरी सिफ जिससे मशवरा लिया जाए उसमें तीसरी सिफ़ ये होनी चाहिए वो आपका ख्याल खा भी हो आपसे महब्बत करने वाला भी हो जिससे मशवरा लिया जाए उसके अंदर तीसरी सिफ ये होनी चाहिए कि आपका वो ख़याल ख़वा भी हो आपसे उसको महब्बत भी हो चौथी सिफ़ जिससे मशवरा लिया जाए उसके अंदर उसके लिए चौथी सिफ़ ये है कि वो मशवरा देते हुए किसी फिक्र के अंदर किसी सोच के अंदर डूबा हुआ ना हो उस वक़्त वो ख़ाली वेन हो अगर वो उसका जेन मुंतशर है किसी और तरफ़ उसका जेन लगा हुआ है उस हालत के अंदर वो मशवरा नहीं दे सकता तो चौथी सिफ़त ये होनी चाहिए मशवरा देने वाला मशवरा देते हुए खाली और जेन हो उसके ज़ेन में कोई इंतजार ना हो और पांचवी सिफ़ और आखिरी सिफ ये है कि मशुरा देते हुए इसकी अपनी खाश नफसानी मकसूद ना हो इसका अपना कोई मकसूद और गरज छुपा हुआ ना हो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए मशवरा दे रहा हो ये पांच सिफ़ात हैं मशवरा लेने के लिए जिस आदमी से मशवरा लिया जाए उसके अंदर ये पांच सिफात होनी चाहिए सबसे पहली अक़ल के अतबार से कामिल हो दूसरी मुत्तकी और परहेज़गार हो तीसरा आपसे महब्बत करने वाला हो चौथी सिफ़ मशरा देते हुए वो किसी और गब और फ़िक्र के अंदर मुबतला ना हो और पाँचवीं सिर्फ ये है कि उसका अपना कोई मकसद उसके अंदर मुस्तर ना हो उसकी ख़्वाश नफसानी उसके अंदर ना हो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए मशुरा दे रहा हो तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों इन पांच सिफ़ात को मनहूज़ खातिर रखना चाहिए और रसूल करम सल्ला वसलम को ये जो हुक्म दिया जा दिया जा रहा है व शाविर हम फिल्म आप भी सहबा से मशवरा ले लिया करें बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी सह वसलम के, के ज़िमे मशवरे का लेना कोई लाजम नहीं था इसके बावजूद आप सह कराम इसमानल्ला तल अजमाइन से मशवरा लिया करते थे इसलिए मेरे भाइयों अगर हम कोई भी काम करना चाहें उससे पहले मशवरा ले लेना चाहिए और रसूल अक्रम सम ने इर्शाद फरमाया जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है अमीन होता है आगे उसको फैलाने की उसको इजाज़त नहीं होती आज हमने रसूल अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी जिंदगियों से निकाल दिया जिंदगियों से निकाल दिया इसलिए हमारी दुआओं में मेरे भाइयों असर नहीं है हमारी दुआओं में असर नहीं है आज उम्म मुस्लिमा एक बहुत बड़ी आसमाश के अंदर मुबतला है लेकिन जो रोने का मकाम है मेरे भाई अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी में फिर भी कोई तब्दीली नहीं आई बेहाई वैसे ही चल रही है ख़यानत वैसे ही चल रही है रिश्वत का बाज़ार वैसे ही गर्म है जालिम अपने जुल्म पे बरकरार है होना तो ये चाहिए था होना तो ये चाहिए था हम इन सारे कामों से बाज़ आ जाते पता नहीं क्या हो गया इस उम्मत को इस उम्मत को क्या हो गया ये तो उस नबी की उम्मत ही है कि जिसके दिल में सारी इंसानियत के गम थे आज हर इंसान अपनी फ़िक्र को लेके बैठा बस मैं ठीक हो जाऊँ मुझे सुकून मिल जाए मेरे भाइयों हमारी सोच आलमी सोच होनी चाहिए हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आना चाहिए हमें चाहिए इस ज़माने के अंदर रोज़ाना मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ आखिरी प्याम देना चाहता हूँ आखिरी प्याम कि रात को उठकर रसूल उठ कर रसूल अक्रम सम पर तीन सौ तेरह मरतबा बूशी पढ़ो फिर दो रकात नमाज सलात तोबा पढ़ो फिर अल्लाह के हज़ूर अल्लाह के हजूर गिर गड़ा के रो रबा तो इस वबा को ख़त्म फरमा दे आज तो बाहर जाते हैं अल्लाह की कसम महसूस नहीं होता कि रमज़ान का महीना है या नहीं वैसे हालाँकि रमज़ान का जब महीना आता था क़राम क्लाम रजवा तल अज़म़ईन के ज़माने में तो उनकी जो ख़ुशी का आलम होता था उसको बयान किया जा सकता इसलिए मैं इस मीडिया के ज़रिए से अपने सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ देखो तोबा कर लो अपने अल्लाह को मना लो वो असबाब के पीछे पड़े हो ये कर लोगे तो ये हो जाएगा ये कर लोगे तो ये हो जाएगा जिसके कब्ज़े में सब कुछ है वो है अल्लाह व माया तस्खुत में इल्ला अल्लाम कोई भी पता नहीं हिलता नहीं गिरता मगर उसका इलम भी मेरे अल्लाह को होता है ये सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े में है सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े में है इसलिए अल्लाह को मना लो الله كو مناله الله كو مناله اب دعاك لها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم عليك وناهم كم وعافا ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे ए इस वबा को ख़त्म फरमा दे अल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती जब तक तू नहीं चाहेगा अल्लाह आज हमारी नज़र दुनिया वालों पे है काफ़िरों पे है यहूदियों पे है कि वो इसका हल सोच सकते हैं वो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह करने वाली जात तो तेरी ही है तेरा एक दफ़ा कौन का आर्डर चलेगा ये वबा ख़त्म हो जाएगी अल्लाह हमारे बच्चे भी इसके साथ में आए हैं हमारे बूढ़े भी इसके साथ में आए हैं हमारे मा भी आए हैं अल्लाह हमारे तबलीग वाले भी इसके अंदर आ चुके हैं अल्लाह ये तबलीग वाले वह हैं जिन्हों जिन्होंने पूरे आलम में तेरा और तेरे नबी का पेगाम पहुँचाया अल्लाह उन पर भी ये आ गई है अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा दे उनको भी सेहत अता फ़रमा दे दुनिया में जितने भी इस मरज़ के अंदर मुबतला है रब्बा वो तेरी मखलूक है उनको भी शफाता फ़रमा दे उन्हें भी शिफ़ा अता फ़रमा दे अल्लाह hey हमारे गुनाहों की वजह से तेरी बेज़बान मखलूक भी इस वक्त भूखी मर रही है अल्लाह hey उनकी फरियाद को सुनते हुए इस वबा को ख़त्म फरमा दे hey Allah, इस वबा को ख़त्म फरमा दे hey Allah, आज तो सफ़ेद पोश भी बेचारा मजबूर हो गया उसके घर का चूल्हा भी बंद होने को आ रहा है रबा तूने ख़ुद फरमाया नफ्सन इल्ला अल्लाउ मैं ताक़त से ज़्यादा किसी को बोझ के अंदर मुबतला नहीं करता रबा हमारी बस हो चुकी है अल्लाह हम आजिज़ तेरे सामने सवाली बन के आए हुए हैं तूने खुद कहा उदोनी अस्तबल कम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर तू करूँगा अल्लाह तेरे नबी ने फ़रमाया मलम यस अल्लाज़फ़ जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है माँ भी अपने बेटे की एक दो दिन की भूख तो बर्दाश्त कर सकती है अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती अब आज तेरी मखलूक तड़प उठी है लेकिन क्या करें फिर भी तेरी तरफ मुतव नहीं हो रही अल्लाह हमारा यकीन है हमारा यकीन है अगर ये मखलूक तेरी तरफ़ हाथ उठा के तुझसे मांगना शुरू कर दे वबा तो इस वबा को ख़त्म कर सकता है अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा दे बिन मांगे अता फरमा दे अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा अल्लाह ये वो मुल्क है जिसकी बुनियाद ला अला रसूलुल्लाह पे रखी है अल्लाह हमारा यकीन है यकीन है यकीन है जिसकी बुनियाद ला इल्लल्लाह पे है अल्लाह उसकी हिफाज़त को ख़ुद फ़रमाता है अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा अल्लाह यहाँ से फ़िकावारीत की लानत को ख़त्म फ़रमा दे दहशत गर्दी को ख़त्म फरमा यहाँ के रहने वालों को एक भी बना दे नेक भी बना दे एक भी बना दे नेक भी बना दे अल्लाह जो लोग इस कोरोना की वबा को ख़त्म कर रहे हैं चाहे डॉक्टर की सूरत में हो चाहे हॉस्पिटल का अमला हो चाहे हमारे फ़ौजी भाई हो चाहे पुलिस वाले हो, अब्बा वो तेरी मखलू की हिफाजत पे मामूर हैं अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा उनकी हिफाजत फरमा उनकी हिफाजत फरमा और सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदी वअला आलिहि वअसहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर्राहिमीन